इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक बहुत बड़ी सीरीज तय हो चुकी है। वेस्ट इंडीज की टीम एक दौर में ऐसी टीम हुआ करती थी जिसके फास्ट बॉलर दुनिया भर के बैट्समैन के लिए एक चैलेंज हुआ करते थे, जिनके बॉलर्स को खेलना बहुत मुश्किल यकीनी तौर पर हुआ करता था, क्योंकि उस दौर में हेलमेट भी नहीं हुआ करते थे। किसी भी टीम के लिए वेस्ट इंडीज से जीतना बिल्कुल आसान नहीं हुआ करता था। यही वजह है कि पहले दो वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज के नाम है और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान एक बड़ी सीरीज खेली जा रही है। आपको पता होगा कि इस साल वर्ल्ड कप 2020 T20 का होना है। वर्ल्ड T20 2020 की तैयारियों के सिलसिले में एक टेस्ट मैच कम करके दो T20 मैचेस की तादाद को बढ़ाया गया है। पहले तीन टेस्ट मैचेस होना थे, अब उनकी तादाद दो रह गई है। तीन T20 मैचेस होना थे, उनकी तादाद को पाँच कर दिया गया है। यूं T20 मैचेस की तादाद पाँच और टेस्ट मैचेस की तादाद दो हो चुकी है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला T20 मैच 23 जुलाई को खेला जाएगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे शुरू होगा। तमाम मैचेस पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 8 बजे शुरू होंगे और ये डेट्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट मैच 12 अगस्त से शुरू होगा और पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे मैचेस इस सीरीज में तो नहीं खेले जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज का टूर करना है। वो मैचेस वनडे पाकिस्तान में होने हैं। जो वेस्ट इंडीज की टीम पाकिस्तान आएगी, जो वर्ल्ड T20 के आसपास शेड्यूल होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।